और दोस्तों फिर से एक 125 सीसी का बाइक लेकर मैं आ गया हूँ, जो कि इंडिया की फेवरेट ब्रांड है हीरो की सुपर स्प्लेंडर, जिसके बारे में सभी जानते हैं। और दोस्तों आज मैं इस बाइक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, इसमें क्या क्या नया फीचर दिया है, क्या क्या अपडेट दिया है कंपनी ने, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों टाइटल में और थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं, मैं इस बाइक को बेस्ट रीसेल वैल्यू बाइक कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो दोस्तों आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक मिलता है, और दोस्तों 5 वेरिएंट के कलर में आता है ये बाइक। और दोस्तों आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक के साथ आपको ग्रे और व्हाइट कलर का ग्राफिक्स दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों पीछे का लुक्स इस तरह से आएगा। और दोस्तों पीछे में आपको टेल लाइट आपको बल्ब वाला मिल जाएगा। और दोस्तों इसके पीछे की टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 90-90-18 आपको पीछे का टायर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा इसमें आपको। और दोस्तों सामने से आप देख सकते हैं फ्रंट का लुक इसका बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों फ्रंट में आपको हेडलाइट आपको हेलोजन वाला मिल जाएगा, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा। और दोस्तों फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिखने को मिल जाएगा इसमें। और दोस्तों फ्रंट की टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 80-118 आपका फ्रंट का टायर की साइज़ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों कंपनी ने क्या नया फीचर दिया है इस बाइक में, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको साइड स्टैंड कटअप स्विच आपको मिल जाएगा, जो कि आपका साइड स्टैंड में बाइक रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी फीचर दिया है कंपनी ने। और दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124.7 सीसी का आपको इंजन मिल जाएगा, एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ OSC के साथ। और दोस्तों इसकी मैक्स पावर की बात करें तो इसमें आपको 10.8 PS का मैक्स पावर मिल जाएगा, जो कि 7500 RPM पर है। और दोस्तों इसके टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 10.6 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 6000 RPM पर है, जो कि दोस्तों इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों इसमें आपको माइलेज आपको 50-55 आपको माइलेज मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी माइलेज है इस बाइक में। और दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये ड्रम वेरिएंट में है, और डिस्क वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे को जो मिला था वो ड्रम वेरिएंट के साथ आता था। और दोस्तों इसका ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है। और आप लोगों को अगर डिस्क वेरिएंट चाहिए आप लोगों को डिस्क वेरिएंट भी मिल जाएगा सुपर स्प्लेंडर का। और दोस्तों आप देख सकते हैं साइलेंसर की पाइप में आपको क्रोम फिनिशिंग दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हीरो की सुपर स्प्लेंडर की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग करना दिखने को मिलेगा, हीरो की ब्रांडिंग करना दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों इसके पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा इसमें। इसमें आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी मीटर की बात करें तो इसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में मिल जाएगा, ओडोमीटर डिजिटल में मिल जाएगा, ट्रिप मीटर डिजिटल में मिल जाएगा, और टेक्नोमीटर आपको डिजिटल में मिल जाएगा। और दोस्तों ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन के साथ, और दोस्तों ये एक ऐसी बाइक है जो बूढ़ा हो या जवान हो सभी को सूट कर जाता है ये बाइक। फॉर्मल आप इसको फॉर्मल बाइक भी कह सकते हैं। क्यों मैं इसको बेस्ट रीसेल वैल्यू बाइक कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बाइक आप 2-3 साल चलाने के बाद भी आप अच्छी प्राइस में इस बाइक को बेच सकते हैं। इस बाइक का इंडिया में बहुत ही अच्छा एक रीसेल वैल्यू मिलता है, क्योंकि इसका जो बॉडी है और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत साल तक अच्छी रहती है, इसीलिए इस बाइक में आपको बेस्ट रीसेल वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 91,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस आपको आ जाएगा, आपके सिटी के हिसाब से कुछ डिफरेंस हो सकता है। 5-स्पीड गियर के साथ आता है। और दोस्तों इसकी एडिशनल फीचर की बात करें तो इसमें आपको एक्सेस टेक्नोलॉजी दिखने को मिल जाएगा, साइड स्टैंड कटअप स्विच आपको मिल जाएगा, इंजन कट ऑफ एट फॉल भी आपको मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है कंपनी ने इसमें। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सो दोस्तों कैसा लगा है हमारा ये रिव्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप लोगों को कैसा लगा हीरो की सुपर स्प्लेंडर, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बेस्ट रीसेल वैल्यू बाइक है। सो दोस्तों हमारे वीडियो आपको देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना।